अर्थात इसमें सबसे पहली बात है क्या, जीवात्मा के साथ परमात्मा का जो संयोग यूनिफिकेशन एक बन जाना, अर्थात अलग रहा नहीं, अलग अस्तित्व रहा नहीं। चीनी और नमक जैसे मिलता है वो नहीं, वहां तो चीनी और नमक दोनों का अलग अस्तित्व है। ये है कैसा, यहाँ चीनी और पानी ये के शर्बत, चीनी का अलग अस्तित्व तुम नहीं पाओ। यूनिफिकेशन अंग्रेजी वाला, नॉन एडिशन। इसमें और एक बात याद रखनी है कि जीवात्मा परमात्मा, अर्थात योग है आस्तिक के लिए, नास्तिक के लिए नहीं। जो नास्तिक बात से प्रेषित होकर काम करते हैं, इसीलिए प्रकार के काम करते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। नास्तिक जो है या जिनका फिलॉसॉफी नास्तिक बात पर आधारित है, वो जो भी नहीं बन सकता है। क्यों, उनको जीवात्मा और परमात्मा दोनों को मानना पड़ेगा, तब नहीं संयोग तो जीवात्मा परमात्मा। इसलिए ये जो है सिर्फ आस्तिकों के, आस्तिक किसको कहते हैं, प्राचीन व्याख्या है आस्तिक शब्द की, वह है कि जो जीव परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा और वे तीनों को मानते हैं, वही है आस्तिक। बौद्ध युग में इसकी व्याख्या में कुछ परिवर्तन आ गया। वो व्याख्या हुआ कि जो जीवात्मा परमात्मा या वेद, इन तीनों में से किसी एक को मानते हैं वही है आस्तिक। तो वेद माने है सही ज्ञान, वेद कोई खास पुस्तक नहीं है, वेद माने परमार्थिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, यही है वेद शब्द का सही है। लोग किस तरह से मान लो चोरी करेंगे, किस तरह से डकैती करेंगे, ये भी तो ज्ञान है, इस ज्ञान को वेद नहीं कहेंगे, वेद कहेंगे आध्यात्मिक। और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैं भी यही कहूंगा कि वेद माने जो जीवात्मा परमात्मा तथा वेद है, इन तीनों को जो मानते हैं वही है आस्तिक। आस्तिकता यही व्याख्या है। अच्छा, बौद्ध युग में जब व्याख्या में परिवर्तन लाया गया था, वो परिवर्तन अनुचित हुआ था। जीवात्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है, उसकी तरक्की कैसे होगी, जीवात्मा किस तरफ चलेगी, आत्मिक तरक्की जो हम कहेंगे कि जीवात्मा किस तरफ चलेगी, किसकी ओर चलेगी, या अगर परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, या परमात्मा को मानते हैं जीवात्मा को नहीं मानते, तब तुम नहीं हो, तुम नहीं हो तो तुम क्या तरक्की करोगे, तुम जब हो ही नहीं, तुम हो नहीं तब तुम्हारी तरक्की कैसे हो सकती है। जीवात्मा को भी मानना पड़ेगा, और जीवात्मा और परमात्मा में संपर्क निर्धारक मान है ना आध्यात्मिक ज्ञान, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को मानना भी फर्क है। जो रूहानी तरक्की चाहते हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है, फर्ज है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहने से लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, जीवात्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगी कैसे। इसलिए आस्तिक किसी को कहेंगे जो जीवात्मा को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात वेद को भी।